हेलो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे आप जानते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त नबले सैन। और मुझे तो आप डेफिनेटली जानते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त दानिया राजपूत। और आप देख रहे हैं जमील एंड दानिया रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और कमाल का ऑफिशियल ट्रेलर लेके आए हैं, जो कि एक पंजाबी मूवी का है। साडे आले इसमें दीप सिद्धू होने वाले हैं। और साथ इसके सुखदीप सुख होने वाले हैं, गुगु गिल होने वाले हैं, अमरतोलक होने वाले हैं। मतलब स्टार कास्ट है जो इसमें जो हमने देखी है। तो इसमें मुझे तकरीबन ऑल टू ऑल मर्द नजर आ रहे हैं, मेल हाँ नजर आ रहा है, फीमेल। अब देखते हैं कि फिल्म्स के अंदर है या नहीं है, उसका एंगल डाला है, रोमांटिक थोड़ा सा नहीं डाला, वो अब देखेंगे ट्रेलर के अंदर। और बात की जाए साडे आले, ये मेरे को आई थिंक नाम से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी चीज होती है साडे अलावा, मतलब साडे पिंड अलावा, और इदा वा समझ आती है। मेरे पर को इस यार फिल्म को इस तरह का नाम किस बुनियाद पर दिया गया, वो फिल्म देखेंगे, वो फिल्म कह रहा हूँ ट्रेलर देखेंगे तो फिर ही हमें मालूम हो यार मेरे पाएगा कि को नहीं। ये लग रहा है कि ये थोड़ी ना बदमाशी टाइप फिल्म होगी, जैसे दोस्तों के टाइम में नहीं होती बदमाशी टाइप, तो उस तरह मतलब की। ऐसा भी हो सकता है। अब आई थिंक देखने पर ही पता चलेगा, और आपको बताते चले, ये 29 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। यस मतलब रनवे 34 के मतलब मुकाबले में रिलीज हो सकती है, या फिर अगर इसमें स्टारिंग इतनी हाई नहीं है, शायद मुझे ऐसा लग भी रहा है कि भाई प्रीम जो होता है ना, प्रीम ऑन प्रीमियम ऑन किया जाए, मतलब चैनल्स पर ऑन कर दिया जाएगा, शायद थिएटर में ना दिखाया जाए, सिनेमा में ना दिखाया जाए, ये भी हो सकता ये है। भी चीज हो सकती है। अब देखते हैं थिएटर में होता है या फिर प्रीमियम होते हैं, ये स्क्रीन की जाती है इनको। और दूसरी बात है कि मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दीप सिद्धू इस मतलब काफी इनका नाम सुना हुआ है। तो अब देखते हैं फिल्म्स के अंदर बिल्कुल क्या इनका किरदार होता है। तो मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपने वीडियोस की जानिब, लेट्स लेट्स गो। गो। आशका नावरा ते शहीदां दी धरती पंजाब, ते पंजाब दा एक पिंड नूरपुर जिथे खेड मेला हो रहा है। ओ दोहे मुंडे ता हीरे ने पंजाब दे, पंजाब ता थोड़े वर्गे मुंडे कुड़ियां दे सिर ते ही वसदा है। ओ नहीं ताया, पंजाब तेरे अर्गे ताने बंदियां दे नाते वसदा है, जेड़े साडे लई दिन रात सुखां सुख दे ने। ओजे बस स्टैंड वाली कुड़ी पसंद आ ता गल करा। हाय ओए साडे वालिया, ओ तेरे चंद किथे आ ओए। एक स्किन गल सुनियो जी। सत श्री अकाल जी। मेरा जी एक दोस्त आ, जोर बहुत है जी ओदे च। मामा विचोला तू बहुत माड़ा है। ओ विचोले दे पैंदियां बहुत आ, स्वाद तू लेना मामा, बांदर अर्गी मेरी करा देगा। इस गल दी की गारंटी है, मेनू छड़ नहीं जाएगा? या गारंटी नु तैं तां फ्रिज खरीदनी है। मामा तू इत्थे खड़ा आशकियां करी जाना, मार मार सुखने तेरे धौलां तेरी धौण कर देनी है कुक्कड़ अर्गी। हाय मैं मर जा, वे नजर ना लुहा लियो। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਧੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਚਨੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਕਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਤਾਂ ਭੰਦੋ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਭੁਗਤਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਲਸੰਸੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਲਸੰਸੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲਈ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੀਰੀ ਤੇ ਬਲਦਾ ਨਾ ਦੀਵਾ, ਸੇਖ ਪੁੱਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੋਸੀ ਪਰ ਰੂਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ।
दोस्ती क्या ऊपर ये मूवी होने वाली है, कमाल होने वाली है। कबड्डी खेल रहे हैं तो दोस्त हैं तो उनको आपस में लड़ाया जाता है, लड़ाने के बाद काफी पिंड वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है। कत्ल भी हुआ है तो अब देखते हैं कौन सा मरता है इन दोनों में से। भाई एक दो इन दोनों में से तो एक तो जाएगा, जैसे वो माँ बोल रही है कि दोनों पुता की रूह एक ही सी, मतलब जान एक ही सी, मतलब बात करना चाह रहा हूँ। बहुत ही कमाल की मूवी है, लेकर आने वाले हैं। तो आई थिंक जो बड़ी बजट ये यार एक ना अलग टाइप की मेरे को लग रही है, अलग टाइप की लग रही है, अलग टाइप ही है यार, थोड़ा सा ना खेल को बीच में लाया गया है। तो पंजाबी में इस तरह मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत ही कम मूवी आई है जिसके ऊपर खेल को लाकर फिर आगे थोड़ी सी स्टोरी को बनाया गया है, कबड्डी कबड्डी लेकर आए हैं। और दूसरी बात ये करूंगा कि इसके जो व्यूज देख कर ना और इसकी स्टार कास्ट देख कर मैं हैरान हूँ, स्टार कास्ट इतनी कोई बड़ी नहीं है और इसके ट्रेलर पर एक दिन में 6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। जो पंजाबी मूवीज जो ट्रेलर आते हैं वो आई थिंक जैसे प्रवेश वर्मा मैं थे बापू उसके आई थिंक 6 मिलियन जो व्यूज आए थे वो 3 दिन में आए थे, 3 दिन में 6 मिलियन व्यू प्रवेश वर्मा की मूवी के ट्रेलर पर आए थे 3 दिन के अंदर। तो ये 1 दिन के अंदर 6 मिलियन व्यू ले चुके हैं। तो आई थिंक कोई कमाल है यार वाकई में यार, तो फिर इस ट्रेलर में कुछ जान है तो इतने व्यू। दूसरी बात करते हैं अब कंफर्म हम बता देते हैं कि भाई ये सिनेमा में ही रिलीज की जाएगी। अब देखते रनवे और इसके अब मुझे ऐसा लगता है थिएटर भी मुख्तलिफ होंगे क्योंकि वो हाई यार वो तो उसके मेरी बात सुने वो बॉलीवुड की है ये पंजाबी थिएटर। अब देखें अब थिएटर इधर हम फर्ज करें हम लगाते हैं तो हमने दोनों मूवी लगाएंगे ना यार। हाँ आप मेरी बात वो भी आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम देखें ना कि बड़े शहरों में बड़े बड़े थिएटर होते हैं तो वहाँ पे मंजिलों के हिसाब से भी होते हैं, ऊपर एक है एक नीचे है तो इस तरह भी हो सकता है ऊपर वाले में लाइए नीचे वाले में, ये मतलब, तो मतलब ये कह सकते हैं कि 7 रिलीज हो रही हैं अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं होता। और दूसरी बार की जाए मेरे को तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया यार। और एक इससे ना लेकर बिल्कुल एक्साइटमेंट भी ले गया और इसमें थोड़ा सा ना हम सबके लिए आपके लिए और हमारे लिए सबक भी है कि लड़ाई का हमेशा मुंह पाल लड़ाई नहीं करनी चाहिए यार उसे प्रेम करेंगे आप लड़ाई करेंगे आप मार देंगे किसी को तो आप क्या करेंगे आपके पीछे वाले रुल जाएंगे सारे, बिल्कुल उनको ना रोल जाएंगे मतलब भुगतना उनको ही पड़ता है। तो खैर हम आउट ऑफ टॉपिक हो रहे हैं आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये ट्रेलर बहुत ही कमाल का था, बहुत ही अमेजिंग था ट्रेलर। अगर आप ये ट्रेलर देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप इजीली वहां पर जाकर ये ट्रेलर देख सकते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।